जूनागढ़ महानगर पालिका में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। नगर पालिका के 59 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 54 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों का प्रदर्शन काफी खराब रहा। जूनागढ़ में हुए इस चुनाव में एनसीपी के खाते में केवल 4 सीटें गई, तो वहीं कांग्रेस 1 सीट हासिल कर पाई। आपको बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर जीत हासिल की थी, लेकिन अब जूनागढ़ में हुए नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने अपने बल पर पूर्ण बहुमत से हासिल कर ली। बीजेपी की जीत के बाद मेयर धीरू भाई गोहिल ने अपनी जीत का सारा श्रेय जनता को दे दिया है और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे, जूनागढ़ का विकास करेंगे, हमारा साथियों को साथ लेकर। आज यह जूनागढ़ की जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि 50 प्लस सीट हमारी बीजेपी की आ रही है। गिन्नार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यात्रा धाम विकास बोर्ड, यात्रा का धाम है और देवभूमि है, उसका विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। रोपवे जल्दी जल्दी से पूरा हो जाए और माननीय नरेंद्र भाई मोदी और विजय भाई के हाथ से उसका उद्घाटन हुआ, ऐसा हम कॉरपोरेशन की ओर से करेंगे। जूनागढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेश प्रमुख का पूरा सहयोग रहा है। जूनागढ़ के पूर्व मेयर गिरीश कोटचा ने बताया कि मतदान कम होने के बावजूद भी नतीजा हमारे ही हित में आया है। आप इतना सोचो, मतदान कम हुआ था लेकिन जितना मतदान हुआ था ना, आज सबने पूरा हिंदुस्तान ने देख लिया, 90% मत हमारी पूरी पैनल को मिला है, 10% मत सामने वाले के डिपोजिट पे। जूनागढ़ में बीजेपी की जीत का कारण क्या मानेंगे आप? जूनागढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध पार्टी है, उसका पूरा ऊपर से नीचे तक सब शिस्त में चलता है। विजय भाई रूपाणी मुख्यमंत्री है गुजरात का, जीतूभाई वाघाणी प्रदेश प्रमुख है, सबकी आगेवाणी में ये चूंटनी, जिसको भी टिकट दी, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट कर काम किया और 5 साल में बहुत काम किया था। आप कल्पना नहीं करो इतना काम किया था, इसलिए पूरी अभी तक जितनी भी पैनल टू पैनल सब चल रहे हैं, 50 से ज्यादा सीट आएगी। बता दें कि 21 जुलाई को इन सीटों पर वोट डाले गए थे, जबकि नामांकन 1 से 6 जुलाई के बीच हुआ। राज्य में और सभी महानगर पालिकाओं पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इन नगर पालिकाओं पर बीजेपी करीब 20 साल से काबिज है।